गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रा आप सबका नव भारती स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन है मैट्रिक्स। चैप्टर क्या है, मैट्रिक्स का है, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। मैट्रिक्स क्या देखते हैं हम, कि जो ऑर्डर होती है, रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स की, फंक्शंस की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं उसको, कैपिटल लेटर से, ए बी कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर और फंक्शंस जो भी हैं उनके जो रेक्टेंगुलर एरेज होती है उसके ऑर्डर को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, उसको लिखते कैसे हम, जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया -2, 0, 3, 5, √5, 3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी मैट्रिसेस, क्योंकि जो नंबर क्या है -2, 5, 0, √5, 3, 6। ठीक है, नंबर सेंगे। ठीक है, इधर देख लो, इधर क्या है कोस एक्स साइन एक्स, ये क्या है फंक्शंस है, तो ये फंक्शंस के रेक्टेंगुलर ऑर्डर हो गए, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइंस होती है और उनको क्या कहते हैं हम, रो, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये वाली, ठीक है, इनको हम बोलेंगे रो, और जो ये वर्टिकल लाइंस है इनको हम बोलेंगे कॉलम। ठीक है, अब हम चलते आगे। अगली डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कि जो कोई मैट्रिक्स है उसकी एम रो हो और एन कॉलम हो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लिखते कैसे हम, एम क्रॉस एन से, ठीक है, और बोलते कैसे हम कि एम बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखते कैसे एम क्रॉस एन से और बोलते कैसे एम बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने मैट्रिक्स ले, ये कितने ऑर्डर की हुई, या एम की वैल्यू क्या होगी, रो कितनी है 1, 2, 3, तो एम की वैल्यू क्या होगी 3, कॉलम कितनी है 1, 2, तो कॉलम कितनी होगी 2, तो ऑर्डर क्या हो गया 3×2 का, यानी कि 6। ठीक है, 6 ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ले लिया, तो रो कितनी है 1, 2, कॉलम कितनी है 1, 2, 3, तो ऑर्डर कितना है 2×3, ये भी 6 के बराबर। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं एम एन मैट्रिक्स का लेते हैं, तो एम एन मैट्रिक्स का लेते हैं तो क्या करते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं हम a11, a21, a12, so on a1n, a22, so on a2n, इधर ले लेते हैं हम amn, so on amn। ठीक है, ये मैट्रिक्स किसकी होगी, m क्रॉस एन की। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां पर आई क्या होता है वो वन से तो बड़ा और वन के बराबर, और एम से छोटा और एम के बराबर, और जे क्या होता है वन से बड़ा और बराबर और छोटा और बराबर किसके, एन के, और जो आई और जे है वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जो ith रो होती है वो कौन सी होती है, ai1 ai2, यानी कि ये वाली। ठीक है, ये हो गई ith रो, और jth कॉलम कौन सी होती है, ये वाली, जिसको हम लिखते हैं aij a2j a3j so on amj। ठीक है, जनरली हम aij लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं उसको, एलिमेंट लाई करते हैं इसमें ith रो में और jth कॉलम में, तो उसको हम aij लिखते हैं। ठीक है, उसको हम एक ऐसे भी बोल सकते हैं ijth एलिमेंट है किसके, सेट a के, मतलब मैट्रिक्स को हमने नाम दे देते हैं ना a, कैपिटल a से।
हम लिख सकते हैं आई जे एलिमेंट है किसके, ए के, और नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होंगे, एम क्रॉस एन के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एम क्रॉस एन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एन। ठीक है, हम किसी प्लेन को या कर्व को, प्लेन पर जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कोई प्लेन है, उसका पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, उसको हम कॉलम और रो में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉलम में ऐसे लिख सकते हैं और रो में ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इसे हमें पॉइंट दे दिए यहाँ पर 0 1, इसको कॉलम में कैसे लिखेंगे, 0 1, और रो में 0 1 ऐसे, सॉरी रोम, हाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसे दे दिया कि को ए बी सी डी क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर दे दिया ए बी सी डी, उसके वर्टेक्स के लिए ये, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है ए बी सी डी, ए के क्या है 1 0, बी के 3 2 1 3 -1 2। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये कितनी होगी रो, 2 रो होगी, कॉलम कितने हो गए 4, एम क्रॉस 2 क्रॉस 4 के होंगे। अब इसने ऐसे लिख दिया ए बी सी, 1 इधर 0 इधर 3 इधर 2 इधर 1 3 -1 2, तो रो कितनी हो गई 4 और कॉलम कितनी होगी 2, तो 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ये हमारा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल दे दिया कि जो कोई फैक्ट्री है कि, ठीक है, 3 फैक्ट्री है 1 2 3, उसमें जो वर्कर्स है वो वर्कर्स कौन से हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी, यानी कि मैन और वुमेन दोनों। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसमें कितने मैन है 30, वुमेन 25, सेकेंड फैक्ट्री में मैन 25 वुमेन 31, थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन 26 वुमेन। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कौन सी फॉर्म में लिखना है, 3/2 की मैट्रिक्स में। ठीक है, 3/2 यानी कि m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे लिखना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 30 25 27 25 31 26। ये किस फॉर्म में लिखी हमने, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब इसने आगे बोला है कि जो एंट्री हुई है कौन सी में, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, ठीक है, उसको बताओ। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये इसने बोला है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि थर्ड रो का सेकेंड कॉलम एलिमेंट, यानी कि 26 थर्ड रो का सेकेंड कॉलम एलिमेंट। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, 26। ठीक है, यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दे दी 8 एलिमेंट की, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर बताए थे, एम एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर है, हमारे पास गिवन है 8। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं इसके, तो हम लिख सकते हैं 1 8 कि m की वैल्यू 1 हो और कॉलम की वैल्यू 8, तो भी 8 ही आएगा, 8 1, m की वैल्यू 8 और n की वैल्यू 1 2 4, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4 4 2, m की वैल्यू 4 n की वैल्यू 2, तो कितने पेयर्स होंगे, इसके आगे कोई और पेयर बन ही नहीं सकता, 1 2 3 4,
चार पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ठीक है, तो आ नहीं सकते हैं, फोर पॉसिबल ऑर्डर्स। और कौन कौन से हैं? 1881 2442, ठीक है, ये हमें बताने थे। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, एम क्रॉस एन वाली में 1818 को कैसे लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 8, 81 को 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2, 24 को 2 क्रॉस 4, ये क्या हो गया, पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए मैट्रिक्स चरण में। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमें बोलते हैं 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, यानी कि एम की वैल्यू 3, यानी कि एम किसके बराबर भी होता है, आई के बराबर, और जे एन के बराबर, एन की वैल्यू क्या है 2, हमें ए आई जे दे दिए ये, ठीक है, तो हम पुट करेंगे इसमें, इसको पहले हम ए के फॉर्म में लिखते हैं, जब आई ए क्या होता है, ए वन वन ए वन टू, 3 क्रॉस 2 की है, ए टू वन ए टू टू, ए थ्री वन ए थ्री टू, ये कौन सी हो गए 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। हमें गिवन है ए आई जे 1/2 आई माइनस 3 जे, ठीक है, और मैट्रिक्स फाइंड करनी, तो पहला एलिमेंट क्या है ए वन वन, उसके लिए हम क्या करेंगे आई और जे की जगह 1/1 पुट करेंगे, ए वन वन 1/2 मोर आई की जगह पे भी हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 3, जे की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या है 1/2 माइनस का 2 मोर, जब माइनस 2 मोर से बाहर आता है तो क्या आता है प्लस का 1 क्या आता है 1/2 इंटू में 2 किसके बराबर होगी 1 के बराबर, तो हमारी जो मैट्रिक्स ए है उसका पहला एलिमेंट क्या आ गया 1। अब हम ए 1 2 निकालते हैं, ए 1 2 यानी कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, 1/2 1 माइनस 3 इंटू में 2 तो क्या है 1/2 1 माइनस 6, 1/2 -5 का मोड, -5 का मोड क्या है प्लस का 5 बन के, यानी 5/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5/2 ए 2 1, यानी कि आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, 1/2 2 माइनस 3 माइनस का 1 मोड से बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा 1/2 ए 2 2 1/2 2 माइनस 3 इंटू में 2 यानी कि 1/2 2 माइनस 6 माइनस का 4 का मोड अपॉन में 2 प्लस का आएगा, प्लस का 4 अपॉन में 2 किसके बराबर होता है 2 के, ये 2 आ गया। ए 3 1 आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 1, 3 माइनस 3 0, 3 2 आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 2, 1/2 3 माइनस 6 माइनस का 3 का मोड अपॉन में 2 माइनस 3 का मोड खुलेगा तो 3/2 आ जाएगा, ये हमारी क्या हो गई मैट्रिक्स, यही बताना था हमें। आगे हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं वो है, पहला टाइप से कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि ऐसे लिखा जाए ए बी सी डी, ठीक है, रो चाहे कितनी भी हो कॉलम ए की होगी, जैसे यहाँ पर कितने हैं कॉलम, रो 1 2 3 4 तो 4 क्रॉस 1, कॉलम हमारा क्या होगा हमेशा
कॉलम किसके बराबर होता है, एन, एन की वैल्यू क्या होगी हमेशा वन, तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम कैसे लिख सकते हैं जनरली ए आई जे एम क्रॉस वन, एम की तो कोई भी वैल्यू होगी लेकिन एन की क्या होगी वन। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है इसको हमने लिख दिया वन क्रॉस फोर, ठीक है एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है बट एम की वैल्यू क्या होगी वन, तो हम इसको क्या लिखेंगे बी आई जे वन क्रॉस एन, ये जनरली हो गया और इसका ऑर्डर क्या होगा वन क्रॉस एन, ठीक है और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा एम क्रॉस वन, ठीक है आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि कोई मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होंगे किसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि जो एम क्रॉस एन है मैट्रिक्स उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, एम क्रॉस एन को स्क्वायर मैट्रिक्स। जब एम जो है वो एन के बराबर होगा, ठीक है तब हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है रोज वन टू थ्री, यानी कि थ्री कॉलम कितने हैं वन टू थ्री, थ्री थ्री क्रॉस थ्री है यानी कि एम और एन दोनों की वैल्यू क्या है थ्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरली हम कैसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है एम, वैसे मैट्रिक्स तो एम क्रॉस एन में लिखी जाती है लेकिन एन की वैल्यू क्या है एम, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे एम क्रॉस एम, ऑर्डर क्या हो गया एम, क्योंकि एम एन की भी वैल्यू एम ही है, एम की वैल्यू भी एम है तो ऑर्डर क्या हो गया फिर इसका एम। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है इसमें जो ये वाले डायगोनल्स हैं, ठीक है इनकी वैल्यू होनी चाहिए वन, ठीक है और बाकी जो इनके अलावा ये बच गए ये इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो, ठीक है ये तो थी हमारी थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स की, कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ये हमारे पास वन होने चाहिए और इनके अलावा हमारे पास जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है उसको हम लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बोला कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स बी आई जे एम क्रॉस एम, कि एम क्रॉस एम की स्क्वायर मैट्रिक्स वो डायगोनल कब कहलाएगी जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे वन होंगे और उसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे जीरो, ठीक है जरूरी नहीं है डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, यहाँ टू भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है फोर भी हो सकता है ए बी भी हो सकता है, ठीक है कुछ भी हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे और इनके अलावा जो ये टर्म होगी ये वाली वो क्या होगी जीरो, उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में हम इसको लिख भी सकते हैं बी आई जे इज इक्वल टू जीरो कब होगा इफ आई जो है वो जे के बराबर नहीं होगा, ठीक है इसको हम लिखते कैसे बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम वो डायगोनल है लेकिन उसमें क्या होगा बी आई जे जीरो होगा कब आई जे के बराबर नहीं होगा तब, ठीक है जैसे एग्जांपल दे दिया ये वाला एग्जांपल देखो माइनस वन और टू ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया इसके अलावा जीरो, ठीक है इधर भी ये वैल्यूज क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है कि डायगोनल एलिमेंट्स कोई ना कोई वैल्यू ही है लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा क्या है जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है
उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं यदि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स लिए थे हमने ए जीरो जीरो बी जीरो सी जीरो जीरो जीरो, ये जो डायगोनल एलिमेंट थे ये एक दूसरे के इक्वल, यानी कि ए की वैल्यू बी के बराबर और बी की वैल्यू सी के बराबर, यानी इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, b इज इक्वल टू बी आई जे क्लोज ब्रैकेट m क्रॉस n, सॉरी m क्रॉस m, क्या तो m क्रॉस m बोल दो या n क्रॉस n भी बोल सकते हो। ठीक है, और स्केलर कब होगी, इफ b आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे और बी आई जे इज इक्वल टू के व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, और के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉन्स्टेंट 1, 2, 3, 4, √3, √5, ये सब कुछ भी हो सकती है के की वैल्यू। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल्स आर 1 एंड रेस्ट ऑफ आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स है स्केलर मैट्रिक्स के वो क्या होंगे, 1, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये 1 हो गया, और इनके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लिखते कैसे हम इसको स्केलर मैट्रिक्स को, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, यहाँ पर चाहे एम क्रॉस एम लिख दो या फिर एन क्रॉस एन भी ले सकते हो। ठीक है, और कब हो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ ए आई जे किसके बराबर होगी, 1 के, कब आई और जे बराबर होंगे तब, और 0 कब होगी, जब आई और जे बराबर नहीं होंगे, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, आई एन। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी जितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है, तो उसको हम ऑर्डर क्या लिखते हैं, आई एन। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दिया, ये ले लिया हमने 1 0 0 1 का। ठीक है, मैट्रिक्स कितने फॉर्म किया, आई टू की, तो ऑर्डर कितने हो गए इसका, 2। ये है मैट्रिक्स कौन सी होगी, आई 3, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया, 3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जो स्केलर मैट्रिक्स थी, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में जो ये एलिमेंट्स थे डायगोनल के, अगर इस कॉन्स्टेंट की जगह हम 1 रख दें, √3 है यहाँ पर तो गिवन, बट हम अगर यहाँ पर 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगी, कब, जब के की वैल्यू क्या होगी, 1, बट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है, यानी कि के ही तो हुआ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बट स्केलर मैट्रिक्स को हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब के की वैल्यू क्या होगी, 1। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स में। जीरो मैट्रिक्स में क्या है, जो ये स्केलर मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं स्केलर मैट्रिक्स के, ये हमने लिए 3 क्रॉस 3 की, हम 2 क्रॉस 2 की भी ले सकते हैं,
तो जो ये ए बी सी डी है, जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी? जीरो, यानी कि जीरो 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 जीरो, ये हो गई 3x3 की आइडेंटिटी, मतलब जीरो मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो, तो उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम? ऐसे जीरो से, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी से जान रहे हो, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल होना। मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का इक्वल होना। हमने ले लिया दो मैट्रिक्स, ले ली ए, एक ले लिया हमने ए आई जे, दूसरी ले लिया हमने बी बी आई जे, वो क्या है? इक्वल होगी। इक्वल कब होगी? जब उनका ऑर्डर सेम होगा और ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट क्या होंगे? सेम, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। ये कब होगा? जब आई आई जे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। आई और जे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा ए और बी भी बराबर होंगे, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? इक्वालिटी मैट्रिक्स। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2 3 0 1, ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स, और बी ले लिया हमने 2 3 0 1, ये बी, ठीक है। तो ए वन वन क्या है यहाँ पर? 2, और इधर भी ए वन वन क्या है? 2। ए वन टू 3, इधर ए वन टू, इधर भी 3। ए टू वन 0, इधर भी 0। ए टू टू 1, इधर भी 1। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वलिटी मैट्रिक्स, यानी कि इधर ये दोनों मैट, जो कोई भी दो मैट्रिक्स लिए है उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं हम? ए इज इक्वल टू बी, ए क्या है? मैट्रिक्स, और बी भी क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई 1 2, यहाँ ले लिया हमने 2 3 1 2, हम बोलते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि ए और बी बराबर है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स, यानी कि ए बी बराबर है, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, तो हम लिखेंगे एक्स 2 के बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। वाई 3 के, वाई की वैल्यू क्या? 3। 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वलिटी मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल दे दिया कि ये जो ए सेट, ए मैट्रिक्स है, ये हमने मान लिया बी है मैट्रिक्स, ये लेट कर लिया हमने ए मैट्रिक्स, ये बी, गिवन दे रखा है ए इज इक्वल टू बी, हमें फाइंड करना है ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो फाइंड करेंगे तो कंपेयर कर लेंगे, ए वन वन ये है, इधर ए वन वन ये, तो कंपेयर करेंगे वैल्यूज, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या आएगा? जेड प्लस 4 किसके बराबर है? जेड प्लस 4 6 के, यहाँ पर 2y-7 है, 3y-2, 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2, यहाँ -6 है, यहाँ पे -6, यहाँ a-1 किसके बराबर है? -3 के, ये 0 है, किसके बराबर है? 2c+2, ठीक है। b-3 किसके बराबर है? 2b+4, यहाँ -21 है, यहाँ भी -21, ये 0 और ये 0। वैल्यू निकालेंगे तो पहले देखो x प्लस 3 0 के बराबर है, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3। जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 6 दे रखा है x, तो इस 4 को इधर ले जाएंगे, जेड इज इक्वल टू 6-4, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब देखो इधर भी y दे रखा है, इधर भी y दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? इस 3y को इधर लिए, 2y-3y, और -7 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, -2 प्लस का 7, तो क्या आएगा? 2y-3y-y=5, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगी y की वैल्यू? -5, ये आ गई y की वैल्यू,
यहाँ पर देखो a माइनस वन माइनस थ्री के बराबर दे रखा है, तो माइनस वन को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का वन हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस टू। इधर देखो टू सी प्लस टू जीरो के बराबर है, टू को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का टू हो जाएगा। अब इस टू को इससे डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। इधर भी b दे रखा है, इधर भी b, तो इस b को इधर ले जाओ, फोर को इधर लेके आएंगे तो माइनस का फोर माइनस का थ्री, टू बी माइनस का बी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस सेवन। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैट्रिक्स ए दे दी, ठीक है, उसमें हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन, ठीक है, इसी को बोलते हैं एम एन। तो यहाँ पर देखो एम की वैल्यू कितनी है, एक दो तीन, तो एम की वैल्यू थ्री, एन की वैल्यू एक दो तीन चार, चार तो कितनी होगी ट्वेल्व, ऑर्डर क्या होगा ट्वेल्व। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसको ही बोलते हैं, और ऑर्डर किसको बोलते हैं, एम क्रॉस एन, यानी कि थ्री क्रॉस फोर। ये तो आ गया ऑर्डर पेयर, और ये क्या आ गया नंबर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें बोला है कि एलिमेंट्स लिखने ए वन थ्री टू वन थ्री थ्री टू फोर थ्री थ्री। ए वन थ्री यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम यानी कि ये वाला ए वन थ्री कितनी वैल्यू आ गई नाइनटीन। ए टू वन सेकेंड कॉलम का ना, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट का ये है ए टू वन थर्टी फाइव। ए थ्री थ्री थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट यानी कि माइनस का फाइव। ए टू फोर सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट ट्वेल्व। ए टू थ्री सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट फाइव बाय टू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन दिया है 24 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में, हमें बताना है उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। ठीक है, तो पहले हम 24 एलिमेंट्स लेके चलते हैं। 24 एलिमेंट्स यानी कि एम एन, ठीक है, तो एम क्रॉस एन में लिख सकते हैं इसको, एम क्रॉस एन में कैसे लिखेंगे, 124 24 वन, ठीक है, टू ट्वेल्व, ट्वेल्व टू, थ्री एट, एट थ्री, फोर सिक्स, सिक्स फोर। ठीक है, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए, कितने हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एम क्रॉस एन की फॉर्म में लिखेंगे, ये तो था एम एन की फॉर्म में, एम क्रॉस एन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, वन क्रॉस ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर क्रॉस वन, टू क्रॉस ट्वेल्व, ट्वेल्व क्रॉस टू, थ्री क्रॉस एट, एट क्रॉस थ्री, फोर क्रॉस सिक्स, सिक्स क्रॉस फोर। ठीक है, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर आ गए। अब हमें बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इस 24 की जगह 13 एलिमेंट होते तो क्या आएगा, 13 एलिमेंट के बताओ, ये किसके बराबर, एम एन के, तो 13 के क्या होंगे, वन थर्टीन और 13 और वन। ठीक है, तो ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, एम क्रॉस एन, वन क्रॉस थर्टीन और थर्टीन क्रॉस वन। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको ही करना है। हमें मैट्रिक्स दे दी टू क्रॉस टू की, और ए है वो ए आई जी के बराबर, और ए आई जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, टू क्रॉस टू की है यानी कि ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू,
ये हो, तो ए वन वन निकालेंगे, आई जे वन वन पुट करेंगे, वन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में टू, टू का होल स्क्वायर अपॉन में टू, यानी कि फोर अपॉन में टू क्या आया, टू। तो मैट्रिक्स क्या आई, मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट टू। ए वन टू निकालेंगे, आई की जगह वन, जे की जगह टू, होल स्क्वायर अपॉन में टू, थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में टू, यानी कि नाइन बाय टू, नाइन बाय टू। ए टू वन, आई की जगह टू, जे की जगह वन, अपॉन में टू, यानी कि थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में टू इक्वल आया नाइन बाय टू के। ए टू टू, आई और जे की जगह टू पुट करेंगे, टू प्लस टू का होल स्क्वायर फोर, फोर का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, सिक्सटीन बाय टू, यानी कि एट। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। सेम इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन फिफ्थ भी सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, इसमें आई जे की वैल्यू पुट करनी है। ये मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस फोर की, आई की जगह पे थ्री पुट करना है, वन टू थ्री, और जे की जगह वन टू थ्री फोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कंपेयर करेंगे, वाई की वैल्यू फोर आएगी, जेड की वैल्यू थ्री, एक्स की वैल्यू वन, फाइव फाइव के बराबर। सेकेंड पार्ट में एक्स प्लस वाई सिक्स के बराबर है, फाइव प्लस जेड फाइव के बराबर, और एक्स वाई एट के बराबर, ठीक है। ये तो 5 प्लस जेड था 5 के बराबर, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आएगी, 5 से 5 कैंसिल, जीरो। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस वाई, इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे x की, 6 माइनस वाई इंटू में वाई इज इक्वल टू एट, 6y माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एट, वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का एट इज इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस फोर, फोर वाई माइनस का टू वाई प्लस का एट इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस का फोर, वाई कॉमन ले लेंगे, माइनस का टू कॉमन लेंगे, वाई माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर बन जाएंगे वाई माइनस टू और y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू आई टू और फोर, जब y की वैल्यू टू होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी फोर, जब y की वैल्यू फोर होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, टू। ये हमारी होगी एक्स वाई जेड की वैल्यू। सेम इसी तरह इस थर्ड पार्ट में निकालें, सेवन्थ क्वेश्चन भी सेम सिक्स क्वेश्चन की तरह है। इसमें ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन है, टू ए माइनस बी जीरो के बराबर है, टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव के बराबर, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन के बराबर। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वन प्लस बी आएगी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, टू माइनस वन प्लस बी, माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस का टू प्लस बी माइनस का बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई टू, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन प्लस टू, ए की वैल्यू आ गई वन। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री, यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ए को मैट्रिक्स दे दी, स्क्वायर मैट्रिक्स है एम क्रॉस एम,
तो स्क्वेयर मैट्रिक्स होती है तो कौन सी कंडीशन होती है, स्क्वेयर मैट्रिक्स में क्या होता है, एम जो होता है वो एन के बराबर, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमें मैट्रिक्स दे दी इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 3x प्लस 7 जीरो के बराबर कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी -7/3, तो यहाँ पर -7/3 कहीं दे रखी नहीं दे रखी, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट है हमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स निकालनी है 3x3 की, 3x3 की निकालनी है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 9, ठीक है 9 एलिमेंट्स है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0 भी बन गई, तो यानी कि हर एलिमेंट्स की क्या होगी, दो पॉसिबल कंडीशन होगी, तो 2 की पावर 9, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 2 की पावर 9 क्या आएगा 512, तो ऑप्शन डी करेक्ट। आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।